2024 लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के वोटिंग के बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच करीब ढाई घंटे तक बैठक हुई। 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले खड़गे के घर हुई अहम बैठक में सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी नेता शरद पवार शामिल हुए। तो डीएमके से टी आर बालू, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आपके सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा, सीपीआई से टी राजा, सीपीएम से महासचिव सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, जेएमएम से चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन समेत महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता शामिल हुए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक कर किस राज्य से कितनी सीटें मिल सकती हैं इस पर महामंथन किया। बैठक के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सामने दावा किया कि इंडिया गठबंधन को अब की बार 295 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दावा किया कि 4 जून को मंगल के दिन मंगल होगा। ध्यान मगन है, वो गायब हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बैठक में शामिल रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जीत रहा है इंडिया, जीत रही है जनता, जनता का एग्जिट पोल 295 प्लस। एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और 295 इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं के 295 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे पर बीजेपी नेताओं ने करारा प्रहार किया है। एग्जिट पोल बीजेपी की अलग की परफॉर्मेंस वेल इनटू द 330 प्लस बता रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 295 से। खड़गे जी क्यों आप उनको मजे लेने दीजिए। न्यूज नेशन से लेकर सभी मीडिया चैनल के एग्जिट पोल के नतीजों में मोदी मैजिक से बीजेपी को तीसरी बार प्रचंड जीत हासिल होती साफ नजर आ रही है। फिर भी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। विपक्षी दलों को एग्जिट पोल के नतीजों से ज्यादा देश की जनता पर भरोसा है, जिसके दम पर विपक्ष दावा कर रहा है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आएंगे तो बीते 10 साल से केंद्र की सत्ता से बेदखल कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने लायक बहुमत का आंकड़ा हासिल हो सकता है। टीम न्यूज नेशन।